कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर तेजी के साथ हालात बदलते नजर आ रहे हैं। यहां विभिन्न पार्टियों के कई बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर यहां हुंकार भरनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के किसान भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचने लगे हैं। आंदोलन के तेजी से बदलते स्वरूप के साथ ही यहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जो हालात पर नजर रखे हैं। यूपी सरकार से मांग है कि प्रदर्शन स्थल पर सुविधाएं दी जाएं। हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरकार से बात करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार से बातचीत के बाद ही कोई हल निकलेगा। जब सारे बॉर्डर खाली होंगे, उसके एक दिन बाद ही हम अपना बॉर्डर खाली करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के आंदोलन को एक बार फिर पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा, राकेश जी, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। आपकी मांगे वाजिब हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसानों को देशद्रोही कहना और इतने दिनों से शांति से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरासर गलत है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल को शुक्रिया किया और यह भी बताया कि केजरीवाल द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय जाट महासंघ भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ का कहना है कि ये किसानों की लड़ाई है। सुबह तक हजारों किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुँचेंगे। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन वाली सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।